व्यूवर्स, व्यूवर्स उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। व्यूवर्स थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मुझे कुछ लोग मेरे यूट्यूब के ऊपर मुझे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग मुझे इनबॉक्स भी करते हैं। उन सब लोगों के लिए, उन सब व्यूवर्स के लिए जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट के बगैर, आप लोगों के अप्रिसिएशन के बगैर मैं बहुत सारे सोशल टैबूज के ऊपर बात नहीं कर सकती। व्यूवर्स हमारा आज का टॉपिक भी बहुत सारे टॉपिक्स की तरह का एक सोशल टैबू है। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल वर्जिनिटी के ऊपर। यस, फीमेल वर्जिनिटी को आज हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि फीमेल वर्जिनिटी होती क्या, होती भी है या नहीं होती। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, मैं चाहती हूं मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको मिलते रहेंगे मेरी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट्स। सो व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन फीमेल वर्जिनिटी, जिसके बारे में हर इंसान बड़ा क्यूरियस है, हर इंसान जानना चाहता है कि जी फीमेल वर्जिनिटी क्या है, जिसके ऊपर सदियों से लोग जो है रिसर्च भी कर रहे हैं, लोग इतनी ज़्यादा डिस्कशंस जनरेट करते हैं, नए नए मिथ्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और इन बहुत सारे मिथ्स का लोग जो है वो शिकार भी होते हैं। आपने और मैंने बहुत सारे लोगों के घरों को इस वजह से कि फीमेल वर्जिन है या नहीं है टूटते हुए देखा है, हमने रिलेशनशिप्स को ख़राब होते हुए देखा है, हमने हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को साथ रहते हुए मिसट्रस्ट के साथ गुजरते हुए देखा है। सिर्फ एक इस मिथ के ऊपर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फीमेल वर्जिनिटी को मेजर कैसे किया जाता है, फीमेल वर्जिनिटी होती क्या है एक्चुअली। व्यूवर्स बहुत सारी कहानियां आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारी सोसाइटी का एक बड़ा ही कॉमन जो है वो रिचुअल है कि शादी वेडिंग नाइट, यानी जिसको हम समझते हैं कि जी एक खुशी वाला दिन है या एक खुशी का लम्हा है, मगर उसके साथ साथ ये एक इम्तिहान का लम्हा भी होता है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मगर फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने अपने आप को नेक और पाक होना साबित करना होता है। कितना रेडिकुलस कॉन्सेप्ट है, मगर बहुत सारी फीमेल्स इस चीज़ में से गुजरती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। एक्चुअली व्यूवर्स जिसको हम वर्जिनिटी यानी कि हम मेजर उसको कैसे करते हैं, वर्जिनिटी को मेजर किया जाता है कि जी औरत की वजाइना में एक हया का पर्दा यानी हाइमन होता है, जो टीयर होता है, और उसके टीयर होने के नतीजे में यानी वो फटता है, और उसके फटने के नतीजे में औरत जो है वो ब्लीड आउट करती है, और ये ब्लीड आउट वो तब करती है जब वो पहली दफ़ा अपने मेल पार्टनर के साथ सेक्चुअली इन्वॉल्व होती है, यानी सेक्चुअल इंटरकोर्स करती है, तो वो हाइमन जो है वो टीयर होता है और ब्लीड करता है। ये वो मिथ है जिसके ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी और हम सब अभी तक इसको बिलीव किए हुए बैठे हैं। आई एम श्योर मेरी ये वीडियो जो है आप में से बहुत सारे लोगों के जो है सोच को ज़रूर बदलने में कामयाब होगी। और हाँ, मेरी इस वीडियो को आपने सिर्फ ये नहीं लेना कि शायद ये मेरी ओपिनियन है, डिस्क्रिप्शन में इसका रेफरेंस ज़रूर मौजूद है, एक बुक का नाम भी ज़रूर दिया गया है जिसमें सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल सकती है और आप वहाँ से मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स बेसिकली ये हाइमन यानी हया का ये पर्दा जो है जिसके साथ फीमेल जो है वर्जिनिटी को एसोसिएट किया जाता है, ये कोई शीट नहीं होता, ये कुदरत की तरफ से एक ऐसा औरत की वजाइना के ऊपर एक ऐसा फ्लेक्सिबल रबड़ की तरह का एक डिवाइस आप कह सकते हैं इसको, कि एक डिवाइस होती है जिसकी वजह से वजाइना का मुंह जो है वो बंद होता है, यानी इट इज़ क्लोज्ड विद दैट हाइमन, और वो बंद होता है क्योंकि उसके साथ कभी ऑलरेडी उसको वो कभी एक्सपोज नहीं हुई होती किसी भी इंटरवेंशन के लिए या किसी भी जिसको आप कहेंगे कि पेनिट्रेशन के लिए उसको वो एक्सपोज नहीं हुई होती। सो फीमेल्स जब फॉर द फर्स्ट टाइम अपने मेल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाती हैं, तो उस नतीजे में कुदरत की तरफ से ये जो हाइमन है, क्योंकि ये इलास्टिक के साथ होता है, ये फ्लेक्सिबल डिवाइस होती है एक्चुअली, जो कि हेल्प करती है फीमेल्स को कि वो अपने मेल पार्टनर्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकें, यानी वजाइना अपने आप को एडजस्ट करती है अपने मेल पार्टनर्स के हिसाब से, ये कुदरती एक डिवाइस है जिसके नतीजे में समटाइम्स ब्लीडिंग हो सकती है और समटाइम्स ब्लीडिंग नहीं होती। समटाइम ब्लीडिंग क्यों हो सकती है, उसकी वजह यह है कि हर औरत का स्ट्रक्चर एक से दूसरे से डिफरेंट है। समटाइम्स कुछ औरतों में ये हाइमन जो है उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना दूसरी औरतों में होता है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपने मेल पार्टनर के साथ इंटीमेट जब वो हुई, जब सेक्सुअल यानी सेक्सुअल क्लोजनेस उनमें आई, तो वो बिल्कुल भी उन्होंने ब्लीड आउट नहीं किया। कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनको मैं जानती हूँ कि उन्होंने ब्लीड आउट किया,
मगर उनका स्ट्रक्चर, उनकी हाइट, उनका वेट, हर एक चीज़ जो थी दूसरे से डिफरेंट थी, जिसकी वजह से वो इस तरह के डिफरेंट जो स्नैरियोज जो हैं वो सामने आए. सो व्यूअर्स, एक्चुअली ये जो है, ये हाइमन जो है, ये एक्चुअली एक इलास्टिक किसी डिवाइस होती है जो कि फ्लैक्सीबल होती है और फीमेल वजाइना को, यानी फीमेल वजाइना को ये हेल्प करती है कि वो अपने मेल पार्टनर के साथ जो है बिल्कुल एडजस्ट कर सके. समटाइम्स जैसे मैंने कहा ब्लीड करती है और समटाइम्स ब्लीड नहीं करती. और औरत की वर्जेनिटी का ताल्लुक जो है बिल्कुल भी इस हाइमन के साथ नहीं है, क्योंकि अगर ये पर्दा हो, अगर ये शीट हो, तो जब ये टीयर आउट होती है, चलिए ब्लड की तो बात समझ आ गई कि ये ब्लीड करती है, मगर जब ये टीयर आउट होती है तो बाकी की स्किन कहाँ जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब साइंटिस्ट आज तक नहीं ढूंढ पाए. और अल्टीमेटली उन्होंने कंक्लूड किया है कि ये कोई शीट नहीं है, ये कोई पर्दा नहीं है, ये एक्चुअली एक फ्लेक्सीबल डिवाइस है जिसकी वजह से वजाइना का मुँह बंद होता है. और जब फर्स्ट टाइम पेनिट्रेशन होती है तो उस सूरत में ये हाइमन जो है ये अपने आप को वजाइना के मुंह को खोलता है, और उस सूरत में समटाइम्स टीयर्स लगने की वजह से ब्लीडिंग होती है और समटाइम्स नहीं होती. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, जैसे आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, कि कितने सारे घर इस एक एक मिथ की वजह से, इस एक चीज़ की वजह से जो है वो ख़राब हो चुके हुए हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और अब आगे पता नहीं कितने बर्बाद होंगे. और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ मैं आम लोगों की ज़ुबानी नहीं सुनती कि जी फीमेल वर्जन है या नहीं है. यानी आपने फीमेल वर्जेनिटी को जो है किस चीज़ से नापना शुरू किया हुआ है, जिसका कोई, जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, जिसका फीमेल के वर्जन होने से कोई ताल्लुक ही नहीं है. इवन एक स्टडी की जिसमें 35 फीमेल्स को जो था वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा जी प्रेगनेंसी में ऑब्जर्व किया, यानी डिलीवरी के टाइम पे ऑब्जर्व किया कि अच्छा इनके हाइमन जो है, यानी वो जो जिसको आप अभी कह रहे हैं हया का पर्दा, मैंने जैसे आपको बताया कि उसको कहा जाता है, उसकी क्या सिचुएशन होती है. ऑनेस्टली उन 35 औरतों में से सिर्फ 2 औरतें ऐसी थीं जिनका, जिनके बारे में ये लोग कंफर्म कर सके, डॉक्टर्स ने ये कंफर्म किया कि इनको पेनिट्रेशन जो है वो हुई है. बाकी 33 फीमेल्स को ये साबित ही नहीं हो सका कि उनकी उनमें पेनिट्रेशन जो है वो हुई है, क्योंकि आफ्टर सर्टन टाइम, यानी ऑफकोर्स प्रेग्नेंट औरतों को जो है वो ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि आफ्टर सर्टन टाइम वजाइना की फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अगर वो रेगुलरली एक्सपोज नहीं होती अपने मेल पार्टनर्स के साथ, तो वो वापस अपनी जगह के ऊपर आ जाती है और उसकी वही फ्लेक्सिबिलिटी और वही टाइटनेस जो है वो वापस हो जाती है. सो आप में से वो नए लोग जो अभी शादी करने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग इस एक वेरी मच कॉन्सेप्ट जो कि लोगों ने ये बना दिया, इसे बाहर आने की कोशिश करें और अपने फीमेल पार्टनर्स को इसके ऊपर जज मत कीजिए कि वो वर्जन हैं, वो प्योर हैं, वो पाक हैं या नहीं है, क्योंकि औरत की वर्जेनिटी का ताल्लुक हाइमन से नहीं है. औरत की वर्जेनिटी का ताल्लुक इस वेरी मच थॉट से ज़रूर है कि वो जब सोचे वो आपके बारे में सोचे, वो जब ख्याल करे आपका ख्याल करे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो आपकी वजह से आए. अगर ये वेरी मच थॉट आपकी वाइफ और आपका फीमेल पार्टनर के जहन में आपकी वजह से आता है, तो वो यकीनन आपके लिए वर्जन है. और अगर आप इसको रियली टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे इसको टेस्ट भी किया जाता है रिडिकुलसली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेते हैं कि जी औरत वर्जन है या नहीं. ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे और सवाल उठ सकते हैं, मगर उन सवालों पे मैं फिर किसी वीडियो में बात करूँगी. मेडिकल सर्टिफिकेट्स लोग लेते हैं. अगर आपको ये पता चलाना ही है, क्योंकि मेडिकल साइंस जैसे पहले ही प्रूव कर चुकी है कि हाइमन एक्चुअली एक फ्लेक्सिबल डिवाइस है जो कि वजाइना को एडजस्ट करने के लिए, इट्स नॉट अ शीट एक्चुअली, तो वो आपको वर्जेनिटी का वो सर्टिफिकेट कहीं से नहीं मिल सकता. हाँ, फिर ये सवाल आता है कि पता कैसे चले कि औरत जो है वो वर्जन है या नहीं है, तो इसका जवाब आपकी फीमेल पार्टनर आपको ज़्यादा बेहतर दे सकती है. डू ट्रस्ट हर जो वो कहे. अगर वो कहे कि वो वर्जन है, डू बिलीव हर, क्योंकि द थिंग विच इज़ मैटरिंग यू, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इज़ कि वो आपके साथ कितनी ज़्यादा है, वो आपके साथ कितनी लॉयल हैं. जैसे मैंने पहले कहा कि वर्जन होना ये ख्याल है कि आपका फीमेल पार्टनर जब सोचे आपके बारे में सोचे, जब उसको ख्याल आए तो आपका ख्याल आए, उसके चेहरे पे हंसी आए तो आपके ख्याल से आए. आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग को थोड़ा सुकून पहुंचा सकेगी, और वो लड़कियां खासतौर पे जो आज तक यही सोचती रही हैं, और हम सब लड़कियां इसी ख्याल के साथ पैदा होती हैं, और पैदा क्या होती हैं, हम बड़ी होती हैं बल्कि, कि जी वर्जन होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारा वर्जेनिटी का ताल्लुक जो है वो हमारी ब्लीडिंग से, ये कॉन्सेप्ट हर लड़की के जहन में इनग्रेव किया जाता है. और इसके ऊपर इवन ये कहा जाता है कि जी एसोसिएट की हुई है ना हमने चीज़ें, यानी औरत की वर्जेनिटी के साथ घर की इज्जत एसोसिएटेड है, हस्बैंड की इज्जत एसोसिएटेड है, उसका मैरिटल रिलेशनशिप एसोसिएटेड है.
सो आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो जो है आपके मिथ्स को जो है किसी हद तक कम करने में कामयाब हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इस मिथ से बाहर आके गुजरे और वो अच्छी एक ज़िंदगी गुजार सके, पुरसकून ज़िंदगी। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, मेरा वेबसाइट एड्रेस होता है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। जो ख़ास चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मैरिटल काउंसलिंग, यानी शादी से पहले काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाइए। आप अकेले चले जाएं बेशक, आप अपने फीमेल पार्टनर को साथ लेके जाएं और भी अच्छी बात है, मगर आप प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाती हैं जब आप काउंसलिंग करवा लेते हैं, जब आप उनके बारे में मुकम्मल और सही मालूमात ले लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। आई कांट वेट टू सी यू फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स। Take care.